गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द एयर पोल्यूशन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड नाउ वी कंटिन्यू द लेक्चर। फर्स्टली द मेन मेड कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन आर नंबरस। मीन्स क्या है बच्चे, कि जो मेन मेड कॉज है, मेन मेड मतलब कि जो हमारे द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा जो पैदा किए गए एयर पोल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं, कॉज है। जैसे कि अब आप खुद ही देख लो, आपके आसपास अगर आपके घर के पास में कोई किसी के आपके किसी फ्रेंड के घर के पास फैक्ट्री हो, ठीक है, उस फैक्ट्रीज के देखो कितने सारे नुकसान है। एक तो सारा दिन आवाज आता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ नॉइज पोल्यूशन होता रहता है। उसके चिमनियों से जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है, एक तो आप अगर आप सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर आप छत पे बेटा कपड़े धो के रखोगे ना, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपका ना कपड़े काले हो चुके होंगे शाम तक। क्यों? उनके चिमनियों से जो धुआं निकल रहा होता है वो बेटा क्या होता है, उन्हें वो साफ करके, मतलब एक होता है ना, मतलब कि कोई भी चीज़ निकलता है ना वेस्ट फैक्ट्री में से, उसे वो क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई मतलब कि उसको साफ करते हैं। बट फैक्ट्री वाले करते हैं क्या, पैसा बचाने के लिए उसको साफ नहीं करते और ऐसे ही एयर में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो ऑलवेज गिरते रहते हैं, ठीक है। ये देखो क्या है, इट हैज बीन स्टीप राइज द पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमें ऐसे तो नहीं आप देख सकते उसको। अब मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि अगर आपने ये डस्ट पार्टिकल देखना है तो आपने क्या करना है, एक अंधेरे कमरे में जाओ, उस कमरे में एक छोटा सा छेद हो जिसमें से सूरज की रोशनी आ रही हो, तो आप बेटा ऑब्जर्व करोगे कि उस रोशनी में ना कितने सारे मिट्टी के कण होंगे, मतलब कि उसे वही बेटा डस्ट पार्टिकल है, उसे बोलते हैं पार्टिकुलेट। ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर इन एयर एज ए रिजल्ट बेटा क्या बनता है, स्मोक बनता है, डस्ट होता है, अदर सॉलिड इंडिविजुअल। और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन डस्ट पार्टिकल का, ये देखो डस्ट पार्टिकल बन रहा है, डस्ट पार्टिकल बन के कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है। एयर में जाके क्या करता है, ये हमारे एयर को तो पोल्यूट करते ही करते हैं, साथ में क्या होता है, जो सूरज से रोशनी आ रही है ना वो क्या करते हैं, उसे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको पता ना जो ये डस्ट पार्टिकल होते हैं ये एज ए मिरर एक्ट वर्क करते हैं। जैसे आपने कभी भी आप टॉर्च की रोशनी मारना अपने मिरर पे, देखना वो रिफ्लेक्ट होकर आपके तरफ वापस आएगी। इसका मतलब क्या है, जब भी जितना ज्यादा डस्ट पार्टिकल आपके एनवायरमेंट होगा होगा उतना ही कम रोशनी सूरज से आपके तरफ आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी को हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। ऐसा होगा तो मतलब क्या है कि वो जो सूरज की रोशनी है वो हौली हौली, मतलब स्लोली स्लोली क्या होगा बेटा, इससे टकरा कर वो वापस स्पेस में जाना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यू आइस एज आ सकता है आज से हजारों साल बाद, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हाँ अलग बात है, उस टाइम तक हम नहीं रहेंगे, बट हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होंगे जो आगे आने वाले हैं वो ये प्रॉब्लम जरूर फेस करेंगे, ठीक है। और याद रखना कि हमारे जो अर्थ में होता है ना एक ओजोन लेयर होता है, ठीक है, आपको पता है ओजोन लेयर जो होता है ना वो क्या करता है, सूरज से आने वाली रोशनी को क्या करता है, फिल्टर करके हमारे तक भेजता है। बिकॉज सूरज से आने वाली रोशनी में ना काफी सारे डेंजरस रेस होते हैं, रेस मतलब डेंजरस चीजें भी होते हैं जो अगर फिल्टर किए बगैर आ जाए हमारे तक तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वो ओजोन लेयर क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, एज ए फिल्टर एक्ट करता है। बट क्या है कि इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने करके वो जो ओजोन लेयर है वो भी हौली हौली क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इन जो ये 2 महीने का लॉकडाउन या ये जो कुछ महीने से लॉकडाउन लगा था ना पीछे जब फैक्ट्रियां सभी बंद थे, तो इन 2 मंथ में ही 30-40% तक जो ग्रीन हाउस के जो मतलब की लेयर्स खत्म हो चुके थे वो दोबारा बन गए, ठीक है। इसके बाद है द ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सीम टू बी ट्रैपिंग हीट क्लोज टू द अर्थ सर्फेस। याद रखना एक होता है ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या होता है, जब भी सूरज से सूरज की रोशनी हमारे अर्थ तक आता है तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर पकड़ के रखते हैं, ठीक है, ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। बट अगर हम इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन या हो चुका है जिससे करके कि क्या हो रहा है कि आप ये भी आप भी नोटिस करते होंगे कि अब गर्मियां छोटी होती जा रही है, सर्दियां बड़ी होती जा रही है। और किसी साल कब होते हैं कि गर्मियां काफ़ी लंबी लंबी होती है, कभी बारिश ही नहीं होती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, अगर ऐसा हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न मेन है कि पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है।
इवन, और याद रखना इवन 1 से 2 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, तो याद रखना कि अगर 1 से 2 डिग्री भी टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, ये ऑलरेडी हो भी चुका, प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। आज से 100 ईयर पहले कुछ ग्लेशियर के पिक लिए गए थे। ग्लेशियर क्या होता है बच्चा, जैसे अंटार्कटिका होता है ना, वहां पे पूरी तरफ बर्फ ही जमे होते हैं, नदियां भी बर्फ में जमे होते हैं। आप मानोगे नहीं, आफ्टर 100 ईयर बाद हमने इतना पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है कि वो तकरीबन ग्लेशियर पिघल चुके हैं। तकरीबन मतलब कि कई सारे पिक्स को जब कंपेयर किया गया 100 ईयर के बाद के, तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि वो जो ग्लेशियर के पिक आज से 100 ईयर पहले लिए गए थे, वो वाले सारे के सारे बर्फ खत्म हो चुके हैं अब। देखो अब ये देखो, और ये मेनली बात है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। 10,000 ऑफ ग्लेशियर पे इफेक्ट डाल चुका है, अलोंग द वैनिस्ड, मतलब खत्म हो चुके। वैनिस्ड का मतलब होता है खत्म हो चुके हैं या जीरो के होने के खत्म होने वाले हैं, ठीक है। एंड द पोलर आइस कैप्स आर श्रिंकिंग, श्रिंकिंग मतलब होता है छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। विद द मेजर रिवर सच एस नाइल रिवर है, गंगा रिवर जो इंडिया में है, ठीक है। और कई सारे ऐसे ग्लेशियर्स भी है जो हौली हौली खत्म हो चुके हो रहे हैं, और वहां के जो पानी है, पहले तो बेटा वहां बर्फ था, बर्फ से वो पानी बन गया, अब वहां के पानी भी हौली हौली खत्म हो रहा है। बिकॉज इतना एयर पोल्यूशन हो गया है कि जो वाटर साइकिल है वो भी अच्छे से काम, वाटर साइकिल का मतलब है क्या होता है, जब आपको पता ना वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है, जब पानी पानी पड़ता है तालाबों में जमा होता है, फिर सूर्य की रोशनी पड़ता है, फिर वो बादलों में जाता है, बादलों से वापस जाता है, फिर पानी आता है। तो ऐसे वाटर साइकिल भी इफेक्ट हो चुके हैं इस एयर पोल्यूशन, या तो जो हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उससे, ठीक है। साइंटिस्ट फील डर द अनलेस समथिंग इज डन क्विकली टू होल्ड दिस ट्रेंड, मतलब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हमें जरूर करना पड़ेगा जिससे हम इस प्रॉब्लम को क्या करें, रोका जा सके। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब ग्लेशियर पिघल, अगर एक ये याद रखना बेटा बच्चों, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, फ्लड आएगा, ठीक है। फ्लड का मतलब क्या है, ग्लेशियर पिघलेगा, वो ग्लेशियर पिघल के पानी क्या जाएगा समुद्रों में, समुद्र में जाएगा तो उससे क्या होगा, बाढ़ आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा जल्दी ग्लेशियर पिघलेगा उतना ज्यादा ही फ्लड का चांसेस है, ठीक है। अनदर सीरियस क्लाइमेट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज एसिड रेन, एसिड रेन का पता ना कि एसिड रेन वो रेन होता है जिसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो उस बारिश में क्या होता है, तेजाब होते हैं काफी ज्यादा क्वांटिटी में, क्या होता है तेजाब होता है जो हमारी फसलों पे, हमारे गाड़ियों पे, या तो हमारे मतलब कि मिट्टियों पे असर डालता है। इवन अगर हम ताजमहल का एग्जाम्पल ले तो एसिड रेन करके ही ताजमहल का कलर व्हाइट से येलो हो रहा है, ठीक है। दिस अकर वेन द, और इसमें ये क्यों होता है बेटा, जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्न करता है, ठीक है, कंबाइंड विद वाटर, और ये जब ये सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बर्न होता है और ये वाटर के साथ कंबाइन होता है, तो ये क्या होता है, वाटर साइकिल की हेल्प से ये हमारे बादलों में चल जाता है, और बादलों में जाके वापस ये जब अर्थ पे आता है तो हमें ही नुकसान देता है। और इसका सबसे मेन कारण क्या है, हम इतने ज्यादा पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा यूज करें, इसमें इससे क्या क्रिएट होता है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और भी कितने सारे डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो वापस क्या हो रहे हैं, रेन वाटर साइकिल के थ्रू हमारे अर्थ पे वापस आते हैं, जो हमारे अर्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। इवन अगर वो नदियों में गिरता है, तालाबों में गिरता है, जहां से आप पानी पीते हो, तो ये आपके बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। देखो इन 1950 में द इफेक्ट ऑफ रिलीज अ रेडिएशन इमिटिंग सब्सटेंस फ्रॉम द एटमोसफेयर टेस्टिंग द अटोमिक एंड हाइड्रोजन बम्ब्स बिकॉज द मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड द डेंजर। अब देखो इसके एक और बताता हूँ कि 1950s, देखो आपको 1947 का तो पता ही होगा, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे, ठीक है, जब यूएसए ने गिराया था। इवन देखो एक साइंटिस्ट की कुछ सर्वे, साइंटिस्ट कुछ स्टडी किया, उन्होंने इवन ये भी बताया कि अगर अब 10,000 और बम, परमाणु बम मतलब कि फोड़े जाएं अर्थ पे, तो इससे क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है एक तो काफी ज्यादा बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और बाढ़ आएंगे और काफी ज्यादा नुकसान होगा। इवन जो 1950s में जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनसे अभी भी मतलब कि जापान में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों उन वो बच्चे जो होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होता है
हर 10 में से 1 बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है ड्यू टू उस उन बम करके। इवन जो बम है वो जो फटे हैं उनके जो ट्रेसिस है अभी भी हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। द डेंजर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ऑफ एयर एंड डिस्पर्जल रेडियो एक्टिव पार्टिकल ओवर द इंटायर सर्फेस ऑफ अर्थ स्टिमुलेट द सीरियस इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या है कि ये जो डेंजर रेडियो एक्टिव मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि एक्चुअली याद रखना बेटा ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल इतना डेंजर होता है कि अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आ जाओगे आपके जो सेल्स होते हैं ना बॉडी के वो तुरंत डैमेज होना शुरू होगा और कुछ ही देर में आपकी डेथ हो सकती है अगर आपको इलाज नहीं मिला, ठीक है। तो विच इज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द पोटेंशियल डेंजरस सिचुएशन। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी एक्चुअली में जो डिस्कवरी हुई थी इसकी इसलिए हुआ था ताकि हम बिजली पैदा कर सके, बट कुछ लोगों ने इसको बम बनाने में भी यूज किया जो आज हमारे लिए ही खतरा बन चुका है। थर्मल पावर प्लांट्स यूज फॉसिल फ्यूल लाइक कोयल नेचुरल गैस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल पावर प्लांट है जहां पे बिजली बनता है, ठीक है, तो वो भी काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोलियम और डीजल पेट्रोलियम कोल एक्सेट्रा यूज करता है और वो ये सब चीजें जो होते हैं ये काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। और ये कुछ बच्चों सोर्स है और ये उसके पोल्यूटेंट है, ये आप खुद देख लेना, इजी है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर टुडे।